गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज नीलांजना हियर. इफ यू डोंट नो मी तो आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैं आज क्यों फुल ऑन मेकअप करके एंड अच्छी कपड़े पहन के व्लॉग कर रही हूँ. तो आज मैं एक फैमिली फंक्शन में जा रही हूँ, मतलब पूजा है मेरे एक कज़न के घर में. तो हाँ, वहीं पे जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज विद मी. सो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि ये पहली बार मैं कोई रिलेटिव के घर पे कैमरा लेके व्लॉग करूँगी. वो लोग ज़्यादा फैमिलियर तो है नहीं, कुछ लोग तो जानते भी नहीं है कि मैं ये सब करती हूँ. कुछ लोग, मतलब मोस्ट ऑफ देम नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं. तो मैंने आज बहुत ही एक सिंपल सा मेकअप किया है, बहुत सिंपल है, बेस मेकअप एंड थोड़ा सा हाइलाइटर है, एक लिपस्टिक है, थोड़ा सा आई मेकअप है, बहुत सिंपल सा मेकअप है एंड या दैट्स इट. सो वहाँ पे चल के फिर बात करते हैं. तो तब तक के बाय बाय, कीप ऑन वॉचिंग. सो दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक. तो मैंने बहुत ही सिंपल सा बेस मेकअप किया है, थोड़ा सा हाईलाइटर लगाया है एंड आई डो नॉट हैव एनी ब्लश और कॉन्टोर ऑन माई फेस. सो थोड़ा सा आई मेकअप किया है, आईब्राउज एंड लिप्स. सो या दैट्स इट, और कुछ नहीं किया. एंड मैंने मेरा इयर रिंग भी चेंज नहीं किया क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे इयर रिंग चेंज करना भी है. एंड मे बी मैं थोड़ी देर बाद मेरी हेयर स्टाइल भी चेंज कर लूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है. एज यू कैन सी आई एम ऑलरेडी स्वेटिंग. सो या दैट्स इट. तो मैं वहाँ पे जाके फिर आप लोगों से बात करती हूँ. तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप ऑन वॉचिंग. ओके ओके, आई थिंक आई एम इन फोकस. एंड इफ यू आर वॉन्डरिंग कि मैंने क्या पहना है, तो मैंने एक इंडियन सूट पहना है. आई एम शोइंग यू गाइज द फ्रंट पार्ट. मैं हमेशा फ्रंट पार्ट ही दिखा पाती हूँ, ठीक है. तो आई विल ट्राई कि मैं बाद में एक OOTD का पोस्ट कर दूँ, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज़ रियली प्रिटी गाइज. सो दिस इज़ व्हाट माय ड्रेस लुक्स लाइक एंड आई एम नॉट गोना टेक माय ट्राईपॉड विद मी. मैं बस कैमरा लेके ही जाने वाली हूँ एंड आई डोंट नो कितना मैं व्लॉग कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. सो या विदाउट एनी डिले लेट्स गो देयर एंड वहाँ पे जाके बहुत सारी बातें करते हैं. तो तब तक के लिए बाय बाय. गुड मॉर्निंग. सो आज भी मैं ब्लॉग करने वाली हूँ. आई थिंक ये मेरे सारे ब्लॉग्स के टैग लाइन्स होते हैं कि आज भी मैं ब्लॉग करने वाली हूँ. आई डोंट नो कि मैं ये क्यों बोलती हूँ, बट बोलती हूँ. सो आई जस्ट फिल्म्ड दिस मेकअप लुक फॉर यू गाइज. दिस इज़ अ वेरी नाइस ग्लोई सिंपल एंड वेरी ईजी टू डू मेकअप लुक फॉर वर्क. यू कैन डेफिनेटली वेयर इट फॉर कॉलेज एज वेल. दिस इज लाइक दिस टेक्स hardly 15-20 minutes and I just did this look, I just filmed this look. तो अभी मैं मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है कि मुझे एक ऑफिस का बिल्कुल अच्छी तरह से गेट रेडी विथ मी फिल्म करना है. मतलब मेकअप है, हेयर तो मैं कुछ करती नहीं हूँ वैसे तो. सो हेयर अगर करूँ तो कुछ करूँगी शायद, आई डोंट नो. एंड ड्रेस, टू ड्रेस ऑप्शंस हैं मेरे पास, फॉर्मल एंड बोथ ऑफ देम आर ड्रेस. ओके, मैं कोई, मतलब मेरे पास अभी वो जो होते हैं ना कि ब्लेजर एंड सम क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट रिमेंबर, स्ट्रेट कट जो ट्राउजर्स होते हैं वो नहीं है मेरे पास. एंड मतलब मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ ना, तो वैसे ड्रेसेस मेरे पास होते नहीं हैं. पर मेरे पास जो है, जो ऑफिस के लिए या कोई फॉर्मल इवेंट और कोई फॉर्मल पार्टीज़ के लिए जो अच्छा लगता है, सो मैं सब कुछ, वो सब कुछ करूँगी. एंड मैं दो लिप ऑप्शंस भी मैंने सोचा है. एक तो है ये, विच इज़ अ वेरी नाइस वेरी लाइट पिंक कलर, सो ये है. और एक है रेडिश कलर, सो उसको मैं अभी नहीं पहनने वाली हूँ क्योंकि वो लिक्विड लिपस्टिक है एंड दिस इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड दिस इज़ वेरी लाइक कम्फर्टेबल ऑन माई लिप्स. सो ये लिप बाम की तरह फील होता है, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग. सो वहाँ पे जाके मैं उसको लगाऊंगी जहाँ पे मैं फिल्म करने जा रही हूँ. सो आई एम गोइंग
आउट विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु विल फिल्म, मतलब मैं उनको फिल्म करके दूंगी एंड वो मुझे फिल्म करके देंगे. सो दिस इज लाइक दैट. सो मैं तो अकेले नहीं फिल्म कर सकती ना कि आउटफिट कैसा लग रहा है एंड ऑल लुक बुक. सो दिस इज नॉट अ लुक बुक, दिस इज अ गेट रेडी विद मी. सो प्लान तो बहुत सारे हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मतलब अच्छे से रोशनी भी है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है आउटसाइड. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. सो आई एम ऑल रेडी टू गो नाउ. मुझे बस ड्रेस चेंज करना है जो कि मैं अभी नहीं करने वाली हूँ. मैं शायद वहाँ पे जाके करूँगी, आई डोंट नो. सो दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक्स. आई थिंक यू गाइस विल लाइक इट एंड आई लव दिस मेकअप. ओके, आई जस्ट लव इट. मैं अभी थोड़ी थोड़ी स्वेटी हो रही हूँ एंड आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट. सो मे बी माई लिपस्टिक इज़ नॉट ऑल परफेक्ट एंड ऑल. सो या दैट्स इट. सो मैं अभी निकलूँगी एंड मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद बात करती हूँ. तो तब तक के लिए बाय बाय. हाय गाइस, सो आज मंडे है. सो दिस इज़ अनदर डे. तो मैं अभी अभी मेरी क्लासेस से लौटी हूँ. सो दैट इज़ वाई आई एम लुकिंग सो टायर्ड एंड आई एम नॉट हैविंग इवन अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप और एनी थिंग ऑन माई फेस. आई एम नॉट हैविंग एनी मॉइस्चराइजर. आई एम नॉट हैविंग एनी लिप बाम और एनी थिंग. सो मैं अभी तो टायर्ड दिख रही हूँ, मुझे भी पता है. बट अभी मुझ में थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी और कर पाऊँ. सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई क्लासेज एंड आई एम नॉट वेरिंग वेरी गुड क्लोथ एज वेल. सो सॉरी फॉर दैट. तो वट आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज कि ये जो वीडियो है इसमें मैं मेरे सब मतलब जितने भी मेरे पास मेरे इनकम्प्लीट वीडियोज़ हैं उनको मिक्स करके डालने वाली हूँ. बिकॉज मैं बहुत टाइम ब्लॉग करना स्टार्ट करती हूँ एंड उसको बाद में कम्प्लीट नहीं कर पाती हूँ. एंड आई थॉट कि मैं कल बहुत सारा ब्लॉग कर लूँगी बट इट डिडंट हैपन क्योंकि मैं गई थी जहाँ पे शूट करने, वहाँ पे जाके मैं इतना टायर्ड फील कर रही थी. आई वॉज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल. मेरा तबीयत बहुत ख़राब लग रहा था. सो आई कुडंट ब्लॉग एंड आफ्टर द शूट वॉज डन आई थॉट कि आई शुड ब्लॉग नाउ. बट देन मेरा मूड ख़राब हो गया था बिकॉज द मेमोरी कार्ड वॉज शोइंग दैट इट वॉज करप्टेड, विच इज़ लाइक वॉट आई वर्क सो हार्ड फॉर दैट गाइज. मैंने बहुत हार्ड वर्क किया पर फिर भी अगर वो करप्ट हो जाता है आई कैन नॉट डू एनी थिंग. बट आई होप कि वो फिक्स्ड हो जाएगा. आई टोल्ड सम ऑफ माई फ्रेंड्स टू डू दैट एंड आई डोंट नो वॉट्स गोना हैपन. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. प्लीज़ गाइज प्रे करो कि वो जो मेमोरी कार्ड है वो करप्टेड ना रहे, वो ठीक हो जाए, कुछ भी तरह से वो रिकवर हो जाए. आई रियली वॉन्ट कि वो रिकवर हो जाए बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छे से शूट किया था वो वाला वीडियो. सो आई रियली वॉन्ट कि वो वीडियो आप लोग देख पाओ, मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ. सो प्लीज़ प्रे फॉर मी गाइज, प्लीज़ प्रे फॉर मी. एंड आज भी मैं अभी बहुत एक्सॉस्टेड हूँ बिकॉज मैं अभी लौटी हूँ. मैं 8:30 बजे सुबह 8:30 बजे घर से निकली थी एंड मैं घर आई हूँ 7 बजे, शाम के 7 बजे. सो आई एम सो डैम टायर्ड, यू कैन नॉट इवन थिंक, यू कैन नॉट इवन इमेजिन. सो आई थॉट ऑफ एंडिंग द व्लॉग लाइक दिस. आई डोंट नो कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा भी या नहीं, बट आई थिंक आई एम गोना नेम इट लाइक अ फेल्ड व्लॉग और माई फेलियर व्लॉग. आई डोंट नो मैं क्या कहने वाली हूँ इसे बिकॉज दिस इज नॉट गोना बी अ वेरी गुड व्लॉग. आई नो दैट वेरी वेल. ओह मैं कितनी बकवास बोल नहीं रही हूँ. मतलब अभी क्या हो रहा है ना, मेरे पास वर्ड्स की कमी हो रही है क्योंकि आई एम सो टायर्ड. आई जस्ट वॉन्ट अ क्रैश ऑन द बेड राइट नाउ. मतलब मैं अगर सो पाऊँ तो मैं इतनी खुश हो जाऊँगी. बट आई एम जस्ट फिल्मिंग दिस व्लॉग ताकि मैं एक कुछ भी वीडियो डाल सकूँ कभी, बिकॉज कल भी मेरे क्लासेस हैं. ठीक है ना, कल भी मुझे मतलब 8:30 बजे निकलना है घर से एंड आई विल बी बैक एट 7 ऑलमोस्ट. एंड परसों भी मेरे हैं क्लासेस. सो आई डोंट नो कि मैं कब शूट करूँ, कब उनको एडिट करूँ एंड आई जस्ट डोंट हैव एनी क्लू राइट नाउ. अगर वो वीडियो अच्छे से शूट मतलब अगर वो मेमोरी कार्ड करप्ट नहीं हो जाता तो वो बहुत अच्छा वीडियो होता एंड आई वर्क सो डैम हार्ड फॉर इट. सो आई प्लीज़ प्रे कि वो ठीक हो जाए. आई एम प्रेइंग एंड आई होप कि वो ठीक हो जाएगा बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग. सो या गाइज, आई नो कि आपको अभी मुझे देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होगा बिकॉज आई लुक लाइक अ मेस. एंड सो दैट्स इट गाइज. मैं घर आके थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया है
ताकि मैं थोड़ा सा फुल हो जाऊँ एटलीस्ट, क्योंकि मैं सुबह से लेके शाम तक कुछ भी ठीक से नहीं खा पाती हूँ। मैं टिफिन घर से लेके गई थी ताकि थोड़ा बहुत हेल्दी रहूँ। आई डोंट वांट टू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड, बट मैंने थोड़ा सा कोक पिया है आज, सो दैट वॉज नॉट वेरी हेल्दी, बट अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू बी वेरी वेरी हेल्दी। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं आज जल्दी सो जाऊँगी एंड कल सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ जाऊँगी, एंड इफ दैट इज़ पॉसिबल देन दैट विल बी गुड। मैं ना सोचती हूँ हर रोज ओ गॉड समबडी किल मी प्लीज, आई एम सो डैम टायर्ड राइट नाउ, लाइक सो डैम टायर्ड। मैं बहुत देर पहले ही आ चुकी हूँ, अभी कितना बज रहा है, अभी शायद 8:30 बज रहा है एंड मैं 7 बजे आ गई थी, बट आई वाज सो टायर्ड एंड आई थॉट कि मैं फिल्म करूँ या ना करूँ, क्योंकि होता है ना कि कुछ उल्टा सीधा वीडियो देने की मन नहीं होता है, बट क्या कर सकते हैं जब मैं मतलब कुछ फिल्म नहीं कर पा रही हूँ, कुछ एडिट नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई वॉन्टेड टू ब्लॉग yesterday, so I want कि थोड़ा बहुत तो आप देख ही सकते हो glimpses and थोड़ी बहुत आप लोगों से बात भी हो जाती है इसी बहाने, so I love to talk to you guys as you all know, so ये भी vlog चला जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया है so I'm really sorry, क्योंकि next video बहुत अच्छा होने वाला है, I promise you all, I will definitely try कि next video बहुत ज़्यादा अच्छा हो, and I am buying some stuffs for you guys which is gonna be in my next giveaway which is coming really soon, but अभी भी मैं बहुत सारी stuffs इकट्ठा नहीं किया है मैंने, so थोड़ा थोड़ा करके मैं जो भी मुझे पसंद आ रहा है बहुत तो वो खरीदती जा रही हूँ, so जब बहुत सारे products हो जाएंगे then I will announce a huge giveaway, and my hair is all messed up right now, oh god, I don't look good at all, I look so bad actually, I'm looking like a patient. No, I'm looking like a zombie. Guys, what I'm looking like? I'm looking like a patient or I'm looking like a zombie? I think I'm looking like a patient who is turning into a zombie. I don't know, I'm talking rubbish, right? So yeah, अभी मुझे ये वाला वीडियो एडिट करना है एंड आई डोंट नो कि मैं फिर से ब्लॉग कर पाऊँगी या नहीं, सो अगर नहीं कर पाती हूँ तो मैं अभी आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो 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 मच कि आपने ये बकवास वीडियो भी मतलब इतनी देर तक देखा है, सो मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं आपसे। हो सकता है कि ये वाला वीडियो उतना अप टू द मार्क नहीं था, बट आई प्रोमिस यू ऑल कि मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा मैं करने की एटलीस्ट कोशिश करूँगी, ठीक है ना। एंड गाइस प्लीज़ प्रे कि वो जो भी करप्टेड SD कार्ड है वो ठीक हो जाए, वो रिकवर्ड हो जाए एंड मेरे वीडियो क्लिप्स वापस आ जाए। यार मुझे, मैं आउटडोर लोकेशन ढूंढ के शूट करने गई थी ताकि बैकग्राउंड भी अच्छा हो, समझ सकते हो ना आप, तो अगर वो ठीक से नहीं हुआ ना मुझे बहुत 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 बुरा लगेगा, सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो या आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, तो अगर लगा है तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप गाइस, बिकॉज That makes me so happy. It was a weird way to say so, I know. और अगर आपको मुझसे कुछ भी बात करना है और अगर आप मुझे कोई भी वीडियो का रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड गाइज बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे मतलब मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट नहीं रखूँगी, मैं ज़रूर रखूँगी, शायद थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा बट आई विल डेफिनेटली कीप ऑल योर रिक्वेस्ट। This sentence was so grammatically wrong, but I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, and I'm looking so horrible that I don't want to look at the viewfinder. I just don't want to look at the viewfinder. Okay, that's it. मैं बहुत ज़्यादा ramble कर जाऊँगी अगर अभी तक मैंने off नहीं किया इस video को recording करना. So yeah, guys, that's it for today. So I'm gonna see you guys the day after tomorrow. I hope so. So yeah, that's it for today. I'll see you guys in my next video. Until then, bye bye. Take care. Stay happy.